रियो की शुरुआत उगते हुए सूरज के साथ फ्रेंड, और कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी पॉजिटिविटी इसको देख करके मिल रही है, मन अति प्रसन्न। और हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में, मेरी खुशियों की बगिया में। फ्रेंड, आज जो आपके साथ थोड़ा सा पालक की हार्वेस्टिंग, और साथ ही मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं इस समय कौन कौन से सीड और लेकर के आई हूँ अपने गार्डनिंग में, बोने के लिए, अपने गार्डन में बोने के लिए। तो ज़रूर से बने रहेगा वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और साथ ही में मैं लाई हूँ कुछ ये सैपलिंग्स, और ये सैपलिंग्स मैं लेकर के आई हूँ बैंगन की, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी मैं उगा चुकी हूँ फ्रेंड। गोभी, ब्रोकली, ये सभी चीज़ें जो है मैं अपने गार्डन में उगा चुकी हूँ, तो इनकी तो और बाकी चीज़ों की तो और चीज़ों की सैपलिंग्स इस समय मिलती नहीं है। तो मैं लेके आई हूँ ये दो, तो मैं लेके आई हूँ ग्रीन वाले बैंगन, और तीन मैं लेके आई हूँ ये पर्पल वाले। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आप भी उगाना चाहते हैं अपने गार्डन में बैंगन, तो इससे मैं आप भी ला सकते हो इनके सैपलिंग्स। और साथ ही में मैं लेके आई हूँ एक गाजर, और ये बहुत ही अच्छी वाली गाजर है। तो इसके बीज मैंने पहले भी गाजर बोई थी, बट उसमें बहुत कम उगी हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से एक और गाजर ले आऊँ। तो अगर आपने नहीं बोई अभी तक गाजर, तो आप भी ला सकते हैं अपने गार्डन में इस टाइम गाजर, और गाजर को बो सकते हैं। साथ ही जो है मैं लेकर के आई हूँ ये जो है बीट रूट, या इसको कहते हैं हम चुकंदर। तो चुकंदर ये भी आप इस समय अगर आपने नहीं बोया है, तो आप भी अभी से बो लें इनको अपने गार्डन में। और तो इसकी भी जो है एक बहुत ही अच्छा फाइबर युक्त जो है ये रूट होती है, और बहुत ही अच्छा जो है हमारे सेहत के लिए होती है। तो ज़रूर से बोएं इसको। और साथ ही मैं ये लेकर के आई हूँ रेडिस, छोटा वाला जो रेडिस होता है वो मैं ये लेकर आई हूँ रेडिस, और रेड कलर का ये रेडिस होता है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर के आई हूँ अपने गार्डन में, तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं इसको ग्रो करके देखती हूँ कैसा इसका रिजल्ट रहता है। बाकी गाजर और चुकंदर तो मैंने पहले बोए हैं, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर रहे हैं तो आपने देखा होगा। साथ ही मैं लेके आई हूँ एक चेरी टमाटो, और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो करूँगी। ऐसे मैं इसके लास्ट ईयर भी मैं इसके सीड्स लेके आई थी, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो पाए, एक ही उसमें प्लांट जर्मिनेट हुआ था, लेकिन बारिशें इतनी थी कि वो ख़राब हो गया बारिशों में। तो मैं लेके आई हूँ चेरी टमाटो, और नेक्स्ट है ये बेबी कॉर्न, और बेबी कॉर्न भी मैं लेकर के आई हूँ फर्स्ट टाइम, और देखती हूँ कैसा इसका रिजल्ट रहता है। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो मैं अपने गार्डन में करती रहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो ये इसके ये भी जो है एक पार्ट है गार्डनिंग का। और नेक्स्ट जो है मेरे पास ये मैं लेके आई हूँ सेम फली, और इसको जो है ये सदाबहार होती है, एक बार अगर आप इसको बो देते हैं तो फिर ये हमेशा चलती है आपके गार्डन में, और कुछ इस तरीके का लुक आता है इसका। तो ये थी फ्रेंड कुछ मेरी छोटी सी शॉपिंग, और बहुत ज़रूरी भी, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ न्यू मैं ट्राई करना चाह रही हूँ अपने गार्डन में। तो वो सब मिला जुला सा मैंने ये आपको दिखाया। और सैपलिंग्स तो इसलिए फ्रेंड क्योंकि अगर आप बैंगन के सीड सोइंग करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उन्हें होने में। और साथ ही मैं देखें मेरी गोभी, ब्रोकली कितनी अच्छी हो रही है, अरे मेरी मेथी ये भी बहुत अच्छी हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आगे तक भी शेयर करें। मेरे करेले के सैपलिंग्स उगाए हैं, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।